नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 एंटरटेनमेंट। देश के प्रधानमंत्री यानी हमारे जो चौकीदार हैं, उन्होंने अपनी यात्रा जो है रोड शो बनारस में शुरू कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 सालों में 2014 से लेकर 2019 तक जब आप पूरी परिघटना को देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इसलिए इससे पहले जो रोड शो बनारस में किया था और अब जो रोड शो कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ तक कि आपको याद होगा, कई बार ऐसी छवियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखी कि जब वो कैमरे के सामने जाते हैं तो जब उनके आसपास में सुरक्षा घेरा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उनसे कहा कि नहीं, आप पीछे हट जाया करिए और तस्वीरें उतारने दीजिए फोटोग्राफर्स को। वो कहते हैं कि वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही जो दृश्य है वो अभी अभी देखने को मिला हमको बनारस में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चौराहा लंका गेट से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तो वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को माल्यार्पण करके उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। तो जो मूर्ति का जो माल्यार्पण उन्होंने किया, उसके लिए जो मंच बनाया गया था, जिस तरीके से उन्होंने किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मालवीय जी के मूर्ति तक जा रही हैं। अब आप देखिए ये जो दृश्य शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री ऊपर जा रहे हैं, इनके पीछे एक बुजुर्ग आदमी है जो इनके साथ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहीं पे उनको मना कर रहे हैं। ये देखिए हाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उनको मना किया। ये आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया हाथ से कि आप बस यहीं तक रुकें, आगे मैं खुद अकेले जाऊँगा चूंकि मुझे माल्यार्पण करना है। साथ में आप ये देखेंगे उनके साथ एक और शख्स है जो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लेकर जा रहा है। उसको ये जो बुजुर्ग शख्स हैं ये रोक देते हैं कि नहीं, हमारे प्रधान सेवक कह रहे हैं कि अब इसके आगे आपको नहीं जाना है, यही आपकी दहलीज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, ये मालवीय जी की मूर्ति है, यहाँ पर वो पहुँचते हैं। सिंह द्वार कहलाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये माल्यार्पण कर रहे हैं। काफ़ी चारों तरफ काफ़ी भीड़ है भाजपा समर्थकों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों की काफ़ी भीड़ है उसमें, ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जमघट लगा हुआ है। तो ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये जो शुरू हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से और ये उसके बाद गया ये 80 मुमुक्षु भवन के पास में गया। मुमुक्षु भवन से होते हुए जब 80 के बाद ये गुजरा, आगे एक इलाका पड़ता है उसका नाम है भदैनी के बाद जो ये रोड शो का जो क्रम है, जिस तरीके से दोनों तरफ लोगों की काफ़ी कतारें लगी हुई हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है और प्रधानमंत्री उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए थे प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए। खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि जैसा कि 80 से ये यात्रा इनकी चली भदैनी के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सुनारपुरा एक जगह आता है। सुनारपुरा वहाँ पर जब वो बंगालियों का इलाका है, असल में बनारस में कई अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरीके के लोग वहाँ रहते हैं। जैसे पारंपरिक रूप से काशी को ये माना जा 80 को ये माना जाता है कि वो बनारस की अड़ी है, वहाँ पर लोग शाम को बैठते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करते हैं। कई प्रोफेसर्स, कई इवन आपको ये याद होगा कि काशीनाथ सिंह की एक किताब आ चुकी है काशी का 80, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है मोहल्ला 80। तो 80 का जो अपना एक व्यापक प्रभाव है राजनीति के क्षेत्र में वो है बहुत बड़ा। तो 80 के बाद सुनारपुरा जो बंगालियों का गढ़ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पांडे हवेली आता है। पांडे हवेली जो है इलाका जो है वो चारों तरफ से बंगालियों का इलाका है। उसके बाद आता है मदनपुरा, शुरू होता है मदनपुरा जो इलाका है वो बुनकरों का इलाका है, मुसलमानों का इलाका है और काफ़ी सघन बस्ती मानी जाती है। आपको मैं बता दूं कि जब 1992 में जो बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन हुआ था, उस समय पूरे बनारस में जब कर्फ्यू लगा था तो मदनपुरा, लल्लापुरा ये कुछ इलाके थे जहाँ से कुछ प्रतिरोध के स्वर उपजे थे। तो बनारस में मदनपुरा है। मदनपुरा के बाद एक जगह आता है, उसको कहते हैं जंगम बाड़ी।
जंगम बाड़ी वो जगह है जहाँ पर एक राधा कृष्ण की एक बहुत विशाल मंदिर है जिसमें बहुत सारे देवताओं का मंदिर है। तो वो जंगम बाड़ी के बाद आता है गुदौलिया। गुदौलिया चौराहे से नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो दाहिने साइड मुड़ेगा, यानी दाहिने साइड मुड़कर वो जाएंगे दशाश्वमेध घाट की ओर, जो दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट एक साथ सटे हुए हैं दोनों घाट, और वहाँ पर जो आरती होगी वो आरती में भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मेगा रोड शो है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो विपक्ष है उसको ये जताने की कोशिश है कि बनारस में भाजपा का हिंदुत्व का जो गढ़ है वो काफ़ी मजबूत और अभेद्य है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे पूर्वांचल को और बिहार के भी कुछ जिलों को ये जो भाजपा का जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व बेल्ट है, उसको ये मैसेज दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर एकत्रित हों। जैसे आपको पूर्वांचल की गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस, चंदौली, मऊ ये जो सीटें हैं, इसके अलावा जब बिहार में आप जाते हैं तो चंदौली के बाद सासाराम, डिहरी, बक्सर, गया, गोपालगंज ये जो इलाके हैं इनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं इस ये रोड शो के जरिए, और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है इस रोड शो के बाद वो डिरेका जो है DLW जो रेलवे का कारखाना है वहाँ के उसके गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। उसके बाद कल सुबह, जैसा कि बनारस में एक परिपाटी चली आती है कि कोई भी नया काम करने से पहले लोग बनारस के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव का दर्शन करेंगे और काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद वो कचहरी जाएंगे, DM ऑफिस जाएंगे वरुणा पार, जहां पर उनका नामांकन होगा। तो कल भी एक मेगा रोड शो, और कल ये जहां तक सूत्रों से ये पता चल रहा है कि NDA के जितने घटक के प्रमुख हैं वो सभी पहुंचेंगे, उसमें नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उसमें प्रकाश सिंह बादल पहुंचेंगे, उसमें उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं और बिहार में जो 40 सीटें हैं वहाँ के मतदाताओं को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि NDA काफ़ी मजबूत है और NDA को आप वोट करिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो चल रहा है, पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत व्यापक तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए काफ़ी इंतज़ाम किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन ने, SPG ने काफ़ी इसके लिए सुरक्षा के इंतज़ाम किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुल मिलाकर बिगुल फूंक रहे हैं विपक्ष के खिलाफ बनारस से रोड पर निकलकर। News 24x7 एंटरटेनमेंट आप देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इस तरीके की जो भी बड़ी खबरें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।